हेलो सन मून एंड राइजिंग स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग होगी जैसे कि आपको पता है, और ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं आप सब उनको कंसिडर करें। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जब भी इस मैसेज को आप देखेंगे या से रेजोनेट करेगा क्योंकि एक टाइमलेस कलेक्टिव रीजिंग है। सो मेरे साथ एंड तक रहिए क्योंकि मैं कुछ ऑरेकल मैसेजेस आपके लिए इंक्लूड करूँगी। सो स्कॉर्पियोज, देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है फॉर यू। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं प्लीज़ यूनिवर्स हमें मुझे बताएँ। ओके, what are the messages for Scorpio's partner? Okay, underneath जो है आपके पास जो कार्ड है, page of wands, sorry, ace of wands, two of wands, wands in wands. तो स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी उनकी हो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड नहीं है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी। एंड ओके, तो वॉन्ड तो वैसे भी ज़्यादा है यहाँ पर। सो इट्स मीन के आपके पार्टनर जो है ना किसी सवाल के जवाब की तलाश में, उन्हें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी बात के बारे में वो कुछ जानना चाहते हैं, और हो सकता है वो आपके पास पाए करते हो आपको बताए बगैर, आपको पता ना चलता हो लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ आपकी जैसे सोशल मीडिया पर सर्च आउट कर लें। तो लेकिन वो यहाँ पर जो है कोई एक्शन लेने के हवाले से वो ज़रूर सोच रहे हैं, जो भी डिसीजन उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए बनाया है उस पर एक्शन लेने के हवाले से सोच रहे हैं, और अब वो रेडी हैं कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ले सकते हैं, लेना चाहते हैं, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा टायर्ड महसूस कर सकते हैं, बट फिर भी उनको बर्डन लग सकता है, लेकिन वो फिर भी लेंगे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और यहाँ पे डेविल का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल है, द एम्परर है, हैंगमैन है, सिक्स ऑफ कप है एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर कुछ ना कुछ है रिस्ट्रिक्टेड, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि इम्बैलेंस है, जो कि अनहेल्दी टॉक्सिक होती जा रही है आपके पार्टनर के लिए, जो कि इम्बैलेंस है। जैसे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बंदे के ऊपर, अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो ये भी एक इम्बैलेंस चीज़ है जिसकी वजह से वो अपने आप को अनहेल्दी इन्वायरमेंट में महसूस कर सकता है कि कोई और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, लेकिन उनके कंधे पर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, चाहे रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना हो, कि जो करना है उनको करना है, इस रिलेशनशिप में वही हैं जो इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। और इस तरह की जो एक सोच होती है वो उनको शायद बर्डनाइज कर रही है, और ये थोड़ी सी अनहेल्दी इन्वायरमेंट में लेके जा रही है उन्हें। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की उनके ऊपर है, आपका उनका ऐसा लगता है कि आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहे, या इस तरह की फीलिंग्स आ सकती हैं। एक स्टेबिलिटी होती है ना, एक स्टेबिलिटी अबंडेंट, या फिर हो सकते हैं यहाँ पर कोई फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी भी हो सकती है आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से एक बंदा बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उससे वो फल नहीं मिल रहा, ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो वेटिंग फॉर द राइट टाइम, आपके पार्टनर जो है सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिलेज का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिलेज फेस कर रहे हैं किसी चीज़ में, शायद उन्हें किसी चीज़ का इंतज़ार है आपकी तरफ से, किसी सपोर्ट का इंतज़ार है। और अगर यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की बात है ना, कि अगर आप लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हैं
तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है वो रिकन्सिलिएशन के हवाले से सोच रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है और वो अब आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। ओके, वो अपना डिसीजन तो ले चुके हैं लेकिन वो कोई सही टाइम का वेट करने हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं कि कैसे बात की जाए, लाइक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं तो कैसे बात की जाए, क्योंकि वो फिक्स करना चाहते हैं सिचुएशन को। और हो सकता है ब्रेकअप सिचुएशन को ये अनहेल्दी इन्वायरमेंट में डाल रही है, लाइक लव तो है, एक साथ रहना तो चाहते हैं लेकिन हो सकता है साथ नहीं है, तो ये एक अनहेल्दी चीज़ हो जाती है। तो वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट या जो भी है, इस चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि वो अपनी ईगो को साइड पे रख रहे हैं, हो सकता है उनकी ईगो की वजह से ये बन रहा है अनहेल्दी इन्वायरमेंट, ईगो की वजह से ये अनहेल्दी इन्वायरमेंट बन रहा है, या उनके गुस्से की वजह से, उनकी जो उनका जो हो सकता है एटीट्यूड कुछ ऐसा है जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो और ज़्यादा बिगड़ रही हैं। तो हो सकता है उनको वो अपनी रिकन्सिलिएशन तो चाहते हैं लेकिन अब कैसे बात कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, या फिर एक स्टूबर्न एनर्जी होती है ना, एक ज़िद्दी वाली एनर्जी होती है, एक ज़िद्दी तबीयत तो होती है किसी की, तो वो उसके लिए भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है कि चीज़ों को कैसे ठीक करें। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी आपके पार्टनर हैं वो अपनी ईगो को एक साइड पे रख के कोई स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, और या और हो सकता है कि वो इस हवाले से इंफॉर्मेशन भी गैदर कर रहे हैं और कि कैसे किया जाए, और सही वक्त का इंतज़ार करें, या डिलेज उनको उनके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी सिचुएशन बन सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं इस हवाले से, और ये सब चीज़ें मिलकर उनको एक नॉस्टैल्जिक लाइक एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट में लेके जा रही हैं। और चैलेंज उनके लिए ये है कि वो जितनी भी इस रिलेशनशिप में मेहनत कर लें लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही, या यही बर्डनाइज सिचुएशन मुझे यही लग रही है कि वो जितना भी कर ले उस वो कर कर के थक भी रहे हैं लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी आ नहीं रही है। हो सकता है कि उनके एगोइस्टिक बिहेवियर उससे या ज़िद्दीपन की वजह से होता है ऐसा रिजेक्शन। हो सकता है उनको वो डिले इसलिए कर रहे हैं, आगे ये बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि उनको रिजेक्शन का डर है, उनको कुछ लोग जो है ये समझा रहे हैं कि क्या पता उनके माइंड में इतनी थॉट्स आ रही हैं कि क्या पता आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, अगर आप कोई वो कोई स्टेप लेते हैं तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, इनको ऐसी कोई है क्या कहते हैं फेयर है ये उनका जॉय। यस, तो वो एक जॉय फील करते हैं जब वो इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, जैसे मैंने कहा कि नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अपनी पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल फील करते हैं जब वो पास्ट की बातों को सोचते हैं, और वो गिल्ट में है किसी चीज़ के। हो सकता है उनको लगता है कि उनकी वजह से कोई कुछ चीज़ ख़राब हुई है या उनकी वजह से रिलेशनशिप में कुछ बिगाड़ आया है, तो ये सब कुछ वो ठीक भी करना चाहते हैं लेकिन बस डिलेज की वजह से आते हैं, और शायद उनके कोल्ड बिहेवियर की वजह से, या फिर उनके इगोइस्टिक बिहेवियर, या स्टूबर्न एनर्जी, या उनका गुस्सा हो सकता है। उनके हार्ट मैसेजेस लेते हैं, आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। ओके, उनको ऐसा लगता है उन्होंने लाइक आप लोग अगर अलग भी हैं तो भी वो फील करते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, लाइक यहाँ पर वो चाहते हैं कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो आप उन्हें माफ़ कर दें। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, लाइक वो ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश उनके दिल में आ रही है कि काश पास में ऐसा ना हुआ होता। जैसे मैंने कहा कि वो पास की बातों को बहुत सोच रहे हैं, चाहे आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ उसके हवाले से वो सोचते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, चीज़ें दूसरे तरीके से हुई होती,
हमने इस मामले को संभाल लिया होता, इस तरह की बातें वो सोचते हैं। आई वॉन्ट यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। हो सकता है कि उन्हें कोई स्पिरिचुअल लेसन मिला है इस ब्रेकअप से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, और अब वो चाहते हैं आपको। उनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं इस दौरान, और वो अब चीज़ों को फिक्स करना करने के बारे में भी उनका ध्यान जाता है, क्योंकि वो पास्ट में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं और पास्ट की चीज़ों को याद करें खुश हो रहे हैं, तो वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी ऐसा चाहते हैं। सो दैट वॉज योर रीडिंग स्कॉर्पियो। इफ इट्स इज नीड्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।